Hello friends, welcome back to the class of NPC. My name is Shruti and I welcome all of you in NPC, the channel where you can learn all the concepts related to physics. And today we are going to discuss chapter 3, current electricity, quick revision. Okay, last ke video lecture mein humne chapter 1 and chapter 2 complete kiye hain. Iske quick revision ho, ya MCQs ho, assertion revision ya case study based question ho, sabhi humne complete kiye hain. ठीक है, अगर आप उन वीडियोस को देखना चाहते हैं देन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, लिंक पर क्लिक करें देन आपको सारे वीडियोस अवेलेबल हो जाएंगे. ओके एंड यस, वन इम्पॉर्टेंट थिंग, क्विक रिवीजन के जितने भी आपके नोट्स हैं चैप्टर वाइज वो सभी टेलीग्राम लिंक पर आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, तो उन सभी को भी आप टेलीग्राम के थ्रू फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं. ओके सो लेट्स स्टार्ट अवर क्लास क्विक रिवीजन ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी. ओके तो हमने अभी तक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ये पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक चार्ज के रेस्ट पर होने से करंट बनता है. ओके अब हम डिफरेंट फॉर्मूलाज पढ़ेंगे जिसमें इलेक्ट्रिक करंट के मोशन से इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनती है वो. सो फर्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट टर्म होगा इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है. ओके सो इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू अ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट. ठीक है, यानी कि किसी भी कंडक्टर में, ये आपका एक कंडक्टर है, किसी भी कंडक्टर में चार्जेस के फ्लो होना इन अ पर्टिकुलर टाइम इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट. ठीक है, इसमें से हम सपोज कर लेते हैं कि क्यू चार्ज फ्लो हो रहे हैं इन टाइम टी, देन द कॉम्बिनेशन ऑफ चार्ज इन टाइम इज कॉल्ड क्या है, इलेक्ट्रिक करंट. ओके और इलेक्ट्रिक करंट को हम आई से डिनोट करते हैं. ठीक है, क्या किससे, आई टर्म से डिनोट करते हैं. आई इज इक्वल्स टू होता है क्यू बाई टी, या क्यू इज द चार्ज, टी इज फॉर टाइम. ओके एंड ये जो फॉर्मूला आपका गिवन है दिस इज फॉर कॉन्स्टेंट टर्म. ओके आपको एक पर्टिकुलर वैल्यू क्यू की दी हुई है, एक पर्टिकुलर टाइम दिया हुआ है, देन आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे. बट इन केस ऑफ डिफरेंट चार्जेस डिफरेंट टाइम्स, ओके मीन्स वेरिएबल, तो वेरिएबल में आपको फॉर्मूला यूज करना है दिस. ठीक है, आई इज इक्वल्स टू डी क्यू बाई डी टी. ओके अगर आप एवरेज करंट का टाइमिंग काफी कम करते हैं, ठीक है, मीन्स टेंस टू जीरो करते हैं, तो वो हो जाएगा डिफरेंशिएशन में चेंज डी क्यू बाई डी टी. तो ये फॉर्मूला कब यूज करेंगे, जब हमारे पास वेरिएबल टर्म्स हो. ओके नाउ क्यू इज इक्वल टू एन ई, ये तो हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था एन ई, तो क्यू के प्लेस पे हम एन ई भी पुट कर सकते हैं. एन इज द इंटीजर नंबर एंड ई इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन और वी कैन से प्रोटॉन. ओके नाउ डायरेक्शन क्या होगी, यस इलेक्ट्रिक करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी. इलेक्ट्रिक करंट थोड़ी सी अजीब ही है, इसमें ये स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, बट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होता है इसमें. ठीक है, तो डायरेक्शन क्या होता है, जब हम किसी भी कंडक्टर, ये आपका कंडक्टर है और कंडक्टर में इस तरह से बैटरी ऐड है. ओके तो इलेक्ट्रॉन्स जो है बैटरी में, हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल होता है, मीन्स ये वाला जो टर्मिनल है ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा. ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन जो कंडक्टर में रहेंगे उनकी डायरेक्शन क्या होगी मोशन की, तो उनकी तो डायरेक्शन होती है वो अट्रैक्ट होते हैं पॉजिटिव की तरफ, क्योंकि नेचर वाइज इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है तो वो अट्रैक्ट होंगे इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव. ठीक है, तो हमेशा करंट की डायरेक्शन अपोजिट होती है डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के. ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन अपोजिट होती है करंट से. ठीक है, तो करंट को हम आई से डिनोट करते हैं, स्केलर क्वांटिटी होता है, और इसका यूनिट क्या होता है, तो चार्ज का कूलम, टाइम का सेकंड, कूलम पर सेकंड भी बोल सकते हैं, एंड एम्पियर. एम्पियर जो है वो मोस्ट कॉमनली यूज होता है. ठीक है, सो द यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर. इलेक्ट्रिक करंट इन टर्म्स ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी. अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी सिंपली, अगर किसी कंडक्टर को हम लें और उस कंडक्टर में सभी इलेक्ट्रॉन्स की एवरेज वेलोसिटी निकालें, अब जो करंट आप लेंगे किसी भी कंडक्टर में, करंट आप कौन सा लेंगे, जब इलेक्ट्रॉन्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मोशन करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स के रैंडम मोशन से करंट नहीं बनता, इलेक्ट्रॉन जब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मोशन करते हैं देन करंट विल बी अकर. ओके तो यहां पर कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स के एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मोशन, ठीक है, मोशन के लिए जो एवरेज वेलोसिटी होती है दैट इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी. ओके एंड इसे वी डी से डिनोट करते हैं. ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट में रिलेशन आपका ये है, आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी. ओके इसे इस तरह से नीवा से भी याद कर सकते हैं, एन ई वी डी ए. ठीक है, नीवा से भी आप लर्न कर सकते हैं, ये आपको फॉर्मूला लर्न करना है, एन ई ए वी डी या एन ई वी डी ए. ओके हियर एन इज द नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स. नंबर डेंसिटी इन द सेंस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम. ओके ई इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ए इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया जो भी आप कंडक्टर ले रहे हैं, एंड वी डी इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ओके नाउ न्यू टर्म इंट्रोड्यूस, दिस इज करंट डेंसिटी. ओके करंट डेंसिटी क्या होगा, सो करंट पर यूनिट एरिया इस कंडक्टर में, अगर इस कंडक्टर का हम एरिया 10 मीटर स्क्वायर कंसिडर कर लें, तो एक यूनिट में, ठीक है, एक मीटर स्क्वायर एरिया में जितनी करंट फ्लो होगी दैट इज कॉल्ड करंट डेंसिटी. करंट डेंसिटी इज इक्वल्स टू पर यूनिट एरिया ऑफ करंट. ओके तो
J इज इक्वल टू आई बाई ए, करंट डेंसिटी को J से डिनोट करते हैं आई बाई ए, और I की वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे, सो J आप एन ई वी डी भी लिख सकते हैं, ओके. एंड करंट डेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, करंट डेंसिटी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है. नाउ मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स, मोबिलिटी क्या होता है, तो मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स इन द सेंस ड्रिफ्ट वेलोसिटी इन पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड में जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो आपको गिवन करेगा मोबिलिटी, ठीक है. वो आपको क्या देगा, मोबिलिटी, इसे म्यू से डिफाइन करते हैं, वी डी डिवाइडेड बाई ई, मीन्स पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड में टोटल ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज नोन एज मोबिलिटी. और वी डी की जो वैल्यू है, वी डी डिवाइडेड बाई ई, इसे हम ई टाउ डिवाइडेड बाई एम भी पुट कर सकते हैं. यह टाउ इज द रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है. जब इलेक्ट्रॉन रैंडमली मोशन करके किसी अदर पार्टिकल पे, अदर चार्ज पार्टिकल पे कोलाइड होता है, ठीक है, और कोलाइड के जस्ट पहले का जो टाइमिंग है, जस्ट पहले का जो टाइमिंग है उसका एवरेज टाइम निकालो, ठीक है. हम एक इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, कंडक्टर में तो ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो सभी इलेक्ट्रॉन्स के एक पर्टिकुलर टाइमिंग को ले लें और उसका एवरेज निकाल दें. सो टाउ, टाउ इज द टाइम, रिलैक्सेशन टाइम, ओके. अब ये कैसे आया, तो सिंपली आपका F इज इक्वल्स टू एम ए होता है, और F की वैल्यू क्या होती है, E इंटू E, ठीक है, डिवाइडेड बाई M, तो एक्सेलरेशन आ जाएगा. और एक्सेलरेशन और वेलोसिटी में जो रिलेशन होता है, ठीक है, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी में क्या रिलेशन होता है, ए इज इक्वल टू वी डी बाई टी, सो वी डी इज इक्वल टू होता है ए इंटू टी, तो टी यहाँ पर हम टाउ यूज करेंगे, रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है. तो ए के प्लेस पे ये पुट किया आपने, ई ई डिवाइडेड बाई एम, ओके, एंड टाउ. सो ये आपका क्या हुआ, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इन द पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके. नाउ यस, हियर एम इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड टाउ इज द रिलैक्सेशन टाउ टाइम, ओके. अब नेक्स्ट देखते हैं, ओके, ऑन स्लो, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ओके. करंट इलेक्ट्रिसिटी में ओम्स लॉ एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं. अंडर अ डेफिनेट फिजिकल कंडीशन, एक पर्टिकुलर डेफिनेट फिजिकल कंडीशन में, ठीक है, लाइक कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, कॉन्स्टेंट प्रेशर, इस तरह से एक पर्टिकुलर सिचुएशन आपको दी हुई है, ठीक है. इसी में ओम्स लॉ हर जगह फॉलो नहीं होता, एक पर्टिकुलर कंडीशन में ही फॉलो होता है, जहां पर कॉन्स्टेंट टेम्परेचर हो, कॉन्स्टेंट प्रेशर हो, वहां पर, ठीक है. द पोटेंशियल डिफरेंस वी अक्रॉस द एंड्स ऑफ गिवन मेटेलिक वायर, ठीक है, या फिर हम किसी कंडक्टर के लिए भी बोल सकते हैं, कंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस वी अक्रॉस द एंड्स ऑफ द गिवन मेटेलिक वायर इन अ सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट, ठीक है. मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, एंड इफ वी रिमूव द प्रोपोर्शनलिटी साइन वी यूज कॉन्स्टेंट टर्म, ओके. सो आर इज द कॉन्स्टेंट टर्म एंड आर इज द रेजिस्टेंस, आर क्या होता है, रेजिस्टेंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रेजिस्टेंस क्या होता है, तो रेजिस्टेंस इज द ऑपोजिशन फैक्टर, ठीक है. रेजिस्टेंस इज द ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय द कंडक्टर इन द फ्लो ऑफ करंट, ठीक है. करंट के फ्लो, जैसे कंडक्टर में करंट जब फ्लो होता है, आई करंट फ्लो होता है, तब इसके कंडक्टर के इंटरनल जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके कारण एक रेजिस्टेंस ऑफर्ड होता है, ठीक है. मीन्स एक ऑपोजिशन करंट का बनता है, उसे ही हम रेजिस्टेंस कहते हैं, ठीक है. करंट का अपोज करना, करंट को रोकना, ओके. इसे हम आर से डिनोट करते हैं, एंड आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए, ठीक है. जनरली देखा गया कि कंडक्टर अगर हम लें तो कंडक्टर की जो रेजिस्टेंस है वो लेंथ के प्रोपोर्शनल होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, और एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, ओके. सो इन दोनों टर्म्स को कंबाइन करें, सो आर इज इक्वल टू एल बाई ए, ठीक है. आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए, और प्रोपोर्शनल साइन को रिमूव किया तो एक कॉन्स्टेंट रो इंट्रोड्यूस हुआ, एंड रो इज द रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी इन द सेंस पर यूनिट लेंथ में रेजिस्टेंस, ठीक है. इस कंडक्टर के पर यूनिट लेंथ में जो रेजिस्टेंस होगा, ऑपोजिशन फैक्टर होगा, दैट इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी, और इसे स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी भी कहते हैं, ओके. नाउ आर की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी आपकी, क्या हो जाएगा, वी बाई आई, वी बाई आर. आर इज नॉट डिपेंड ऑन वी, आर जिस फॉर्मूले से डिराइव हुआ है, ठीक है. मीन्स वी एंड आई इस इन दोनों क्वांटिटीज पर डिपेंड नहीं करता है, रेजिस्टेंस इन दोनों क्वांटिटीज पर डिपेंड नहीं करता, रेजिस्टेंस डिपेंड करता है लेंथ पर, एरिया पर, मीन्स डायमेंशन पर, ठीक है, टेम्परेचर पर, ओके, और मीडियम पर, ठीक है, नेचर ऑफ द कंडक्टर पर, ओके. सो आर का जो डिपेंडेंस है, नेचर ऑफ द मटेरियल और वी कैन से कंडक्टर, डायमेंशंस, लेंथ एंड एरिया एंड टेम्परेचर पर डिपेंड करता है. और आर की यूनिट क्या है, आर की यूनिट है वोल्ट पर एम्पियर और वी कैन से ओम, ठीक है. ओम जो थे साइंटिस्ट टोनी के नाम पर, इनकी यूनिट हुई, एंड इसे डिनोट करते हैं सिंबल, इस तरह से डिनोट किया जाता है, ओके. नाउ रिलेशनशिप बिटवीन करंट डेंसिटी जे एंड ई, जे और ई में रिलेशन, सो जे और ई में रिलेशन होता है ये, जे इज इक्वल टू कंडक्टिव माइन टू ई, ओके. हियर सिग्मा इज द कंडक्टिविटी, एंड कंडक्टिविटी इज ऑपोजिशन फैक्टर ऑफ रेजिस्टिविटी, ठीक है. रेजिस्टिविटी का ऑपोजिट कंडक्टिविटी, रेजिस्टिविटी क्या करती है, अपोज करती है करंट को, और कंडक्टिविटी करंट को जाने देती है, ओके. नाउ टेम्परेचर कोएफिशिएंट, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, किसी भी रेजिस्टेंस का टेम्परेचर कोएफिशिएंट किस तरह से आप डिनोट करते हैं, जैसे अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं, और किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस आपको गिवन है, जैसे टेम्परेचर, इनिशियल टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस आर टू है, ठीक, सॉरी, फाइनल टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस आर टू है, एंड इनिशियल पर आर वन है, ओके. सो अल्फा इज इक्वल टू आर टू माइनस आर वन डिवाइडेड बाई आर वन टी टू माइनस टी वन,
ओके, हियर आर टू इज द रेजिस्टेंस एट इनिशियल टेम्परेचर एंड आर टू इज इक्वल टू रेजिस्टेंस एट फाइनल टेम्परेचर. ओके, टी वन टी टू इज द इनिशियल एंड फाइनल टेम्परेचर्स. ओके, नाउ नेक्स्ट नेक्स्ट इज रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन होगा. ओके, रेजिस्टेंस हमने पढ़ा R इज इक्वल टू रो एल बाई ए. हियर रो इज द रेजिस्टिविटी एंड एल इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ए इज द एरिया ऑफ द कंडक्टर. ओके, सो रेजिस्टिविटी क्या होती है? रेजिस्टिविटी इज द रेजिस्टिविटी ऑफ मटीरियल इज इक्वल टू द रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ. ठीक है, पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट एरिया में जो रेजिस्टेंस होगा दैट इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी एंड इट इज डिनोटेड बाय रो. सो रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल इज गिवन इन टर्म्स ऑफ मैथमेटिकल टर्म. ओके, मैथमेटिकल टर्म्स के रिस्पेक्ट में हम रो इज इक्वल्स टू एम बाय एन ई स्क्वायर टाउ. ठीक है, ये कैसे आया फॉर्मूला? तो ये इसका जो पूरा डेरिवेशन है उसके थ्रू फॉर्मूला है. ठीक है, हमने आई और बी डी मीन्स करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में जो रिलेशन पढ़ा है एन ई बी डी ए. ठीक है, इसके थ्रू हमने वी बाई आर आर निकाला और आर के थ्रू फिर रो निकाला. ठीक है, सो रो आपका ये हुआ और बी डी एक इंपॉर्टेंट जो रिलेशन है बी डी का, बी डी इज इक्वल टू ई ई टाउ बाई एम, ये भी होता है. ठीक है, ये टाउ इज द रिलेशन टाइम, एम इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई इज द बेसिक वैल्यू ऑफ चार्जेस. ठीक है, मीन्स वैल्यू ऑफ चार्जेस एंड एन इज द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन यूनिट वॉल्यूम. ठीक है, यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स. नाउ रो इज ऑल्सो कॉल्ड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं. और अगेन ये भी एक ऐसी क्वांटिटी होती है जो कि जिस फॉर्मूले से डिराइव हुई है उस पर डिपेंड नहीं करती है. मीन्स रो इज नॉट डिपेंड ऑन रेजिस्टेंस लेंथ एंड एरिया. ठीक है, इट इज डिपेंड ऑन अनदर फैक्टर्स. ठीक है, लाइक टेम्परेचर. ठीक है, टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर एंड लेंथ एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया पर तो डिपेंड नहीं करती है, बट ये डिपेंड करती है इन क्वांटिटीज पर. ठीक है, टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, फिर ये मास पर डिपेंड करती है, रिलैक्सेशन टाइम पर, इन क्वांटिटीज पर डिपेंड करती है. इफ अ कंडक्टर स्ट्रेच टू एन टाइम्स, एक कंडक्टर अगर आपने उसे स्ट्रेच कर दिया, ठीक है, तो लेंथ क्या हो जाएगी? लेंथ इंक्रीज हो जाएगी और एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया डिक्रीज हो जाएगा. ठीक है, तो उसका ओरिजिनल लेंथ के रिस्पेक्ट में जो फॉर्मूला होगा एल डैश, एल डैश इज द स्ट्रेस्ड जो न्यू लेंथ है वो, एल डैश इज इक्वल टू एन इंटू एल, जितना आपने एन टाइम्स, जितने टाइम्स आपने उसको स्ट्रेच किया है उससे मल्टीप्लाई कर दो एन इंटू एल. हेयर ये लेंथ की बात है, यहाँ पर अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो आर डैश इज इक्वल टू एन स्क्वायर इंटू आर. हेयर आर डैश इज द न्यू रेजिस्टेंस, आर इज द ओरिजिनल. ओके, नाउ सुपर कंडक्टिविटी, एक छोटा सा टॉपिक है सुपर कंडक्टिविटी क्या होता है. ठीक है, सो द रेजिस्टिविटी ऑफ अ सर्टेन मेटल और अलॉय, कुछ मेटल्स एंड अलॉयज जो हैं वो ड्रॉप्स टू जीरो व्हेन दे आर कूल्ड. ठीक है, उनको जितना ज़्यादा अपन ठंडा करेंगे, ठीक है, जितना ज़्यादा ठंडा करेंगे एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, टेम्परेचर पर वो अपनी कंडक्टिविटी खो देंगे. ठीक है, अपना नेचर वो लॉस कर देंगे. उस टेम्परेचर को बोलते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर एंड इस प्रॉपर्टी को शो करने वाले मटीरियल्स को बोलते हैं सुपर कंडक्टर्स. ओके, नाउ सीरीज कॉम्बिनेशन पैरल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस कैसे इक्विवेलेंट फाइंड करें. ठीक है, सो सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए डायरेक्टली आपको ऐड करना है जितने भी रेजिस्टेंस आपके पास है, R इज इक्वल टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री. ओके, एंड पैरल कॉम्बिनेशन के लिए वन बाई आर इज इक्वल टू वन बाई आर वन, वन बाई आर टू, वन बाई आर थ्री एंड सो ऑन वन बाई आर एन. ओके, नाउ नेक्स्ट, ओके नेक्स्ट पॉइंट इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ सेल. ठीक है, अब जो जनरली हम सेल यूज करते हैं घरों में आपने देखा होगा उसके बारे में. ठीक है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ये जो टर्म है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इट इज एक्चुअली नॉट अ फोर्स, इट इज अ पोटेंशियल डिफरेंस. ओके, सो क्या होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स? इसे जनरली इस तरह से ई से भी डिनोट करते हैं, ठीक है, एंड इस तरह से भी डिनोट करते हैं. ठीक है, तो दोनों सही है. अब किसी बुक में डिफरेंट है, ये वाला टर्म यूज कर रहे हैं, ये वाला सिंबल यूज कर रहे हैं. क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हम कैपिटल ई यूज करते हैं तो थोड़ा सा चेंज हो जाए, इसीलिए हम यहाँ पर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को इस तरह से डिनोट करेंगे. ओके, नाउ द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पोल्स और टर्मिनल्स ऑफ द सेल, सेल के टू टर्मिनल्स के बीच में मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस इन एन ओपन ओपन सर्किट. ठीक है, मीन्स जब हम सेल को, जब हम सर्किट को यूज नहीं कर रहे हैं ओपन सर्किट में, इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स. इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज जनरली अ मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस. ओके, टू टर्मिनल्स के बीच में मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस है जो कि ओपन सर्किट के लिए होता है, और इसको बोलते हैं आप इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ द सेल. इट इज डिनोटेड बाई ई एंड इट्स ऐसा यूनिट इज वोल्ट, क्योंकि ये पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल की यूनिट क्या होती है? वोल्ट. सो वी इज द यूनिट, वोल्ट इज द यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स. ओके, इसे भी इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ओके, पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन बाय चार्ज, तो हमने वर्क डन बाय चार्ज को इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी कहा. ओके, अब इसी में इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स में ही एक छोटी सी डेफिनेशन आएगी आपकी इंटरनल रेजिस्टेंस की. ठीक है, जब हम ये सेल यूज कर रहे हैं, ठीक है, इस तरह से सेल यूज कर रहे हैं तो सेल के अंदर केमिकल्स होते हैं और केमिकल्स का भी अपना अपोजिशन फैक्टर होता है, उसी को बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस. इंटरनल रेजिस्टेंस इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट ऑफ द सेल ड्यू टू द मोशन ऑफ चार्ज. जब चार्ज मोशन करते हैं तो इलेक्ट्रोलाइट के दौरान इलेक्ट्रोलाइट्स के जो पार्टिकल्स हैं, मीन्स केमिकल पार्टिकल्स हैं, वो अपोज करते हैं करंट को. ठीक है, बस इसी को बोलते हैं हम इंटरनल रेजिस्टेंस एंड इसको डिनोट करते हैं स्मॉल आर से. स्मॉल आर इज द
सिंबल ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस, रिलेशनशिप बिटवीन इंटरनल रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड पोटेंशियल, ठीक है, इसे जनरली ई से डिनोट करते हैं. सो आर इज इक्वल्स टू आर कैपिटल आर ब्रैकेट में ई बाई ई माइनस वन. ये क्या है, रिलेशन शो कर रहा है, ठीक है, ये जो फॉर्मूला है रिलेशन शो कर रहा है सभी क्वांटिटीज के बीच में विथ रिस्पेक्ट टू इंटरनल रेजिस्टेंस. नाउ आर इज द इंटरनल रेजिस्टेंस, आर इज द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ई इज द ईएमएफ ऑफ सेल, वी इज द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, और वी कैन से पोटेंशियल डिफरेंस. नाउ वी इज इक्वल टू ई माइनस आई आर, ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन, वी इज इक्वल टू ई माइनस आई आर. जब हम सेल से कोई वर्क करवाते हैं, सेल मतलब धीरे धीरे जब डिस्चार्ज होता है, उस कंडीशन में पोटेंशियल इज इक्वल टू ई माइनस आर. ये वाला जो इक्वेशन है वो यूज होगा जब सेल धीरे धीरे डिस्चार्ज होगा, ओके, एंड जब सेल चार्ज होगा देन ई प्लस आई आर हो जाएगा, ओके. और इस तरह से भी हम इक्वेशन यूज कर सकते हैं, वी इज लेस देन, लेस देन कब होगा, पोटेंशियल डिफरेंस, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस लेस देन कब होगा, जब डिस्चार्ज हो रहा है, ठीक है, जब सेल में से हम करंट प्रोड्यूस करवा रहे हैं, करंट यूज कर रहे हैं, ठीक है, तब डिस्चार्ज होगा. एंड चार्जिंग कब होगा, जब पोटेंशियल डिफरेंस इज ग्रेटर देन द ईएमएफ, ओके. नाउ नेक्स्ट स्लाइड, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल टू टाइप्स के होते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन. सीरीज कॉम्बिनेशन में इजीली आपको जो रेजिस्टेंस में किया था आपने डायरेक्टली ऐड करना है, तो डायरेक्टली आप ऐड करेंगे ईएमएफ को, इज इक्वल्स टू ई वन प्लस ई टू प्लस एंड सो ऑन ऐड करेंगे, ठीक है. बट इसमें एक और क्वांटिटी ऐड हो जाती है, दैट इज द इंटरनल रेजिस्टेंस. हम आर वन एंड आर टू इन्हें भी आपको ऐड करना है, ठीक है, इन्हें भी आपको ऐड करना है. तो ये कॉमन रहेगा सीरीज कॉम्बिनेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन में, दोनों में आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है इंटरनल रेजिस्टेंस वो आपको डायरेक्टली ऐड करना है, ठीक है. क्या करना है, आर वन आर टू प्लस आर वन एंड सो ऑन आर एन, ये डायरेक्टली आपको ऐड करना है, चाहे सीरीज कॉम्बिनेशन हो चाहे पैरेलल कॉम्बिनेशन हो, ओके. नाउ पैरेलल कॉम्बिनेशन में, सीरीज कॉम्बिनेशन में तो सिंपली सभी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को, पोटेंशियल डिफरेंस को आपने ऐड किया. अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है. पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट पोटेंशियल होगा ई वन आर टू, ठीक है. अगर टू आपने टर्मिनल्स लिए हैं, टू सेल्स लिए हैं, तो फर्स्ट सेल का ईएमएफ एंड सेकेंड सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस दोनों का मल्टीप्लाई होगा, एंड सेकेंड सेल का ईएमएफ एंड फर्स्ट सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस इन दोनों का मल्टीप्लाई होके दोनों ऐड होंगे एंड डिवाइडेड बाय आर वन प्लस आर टू, ठीक है. इंटरनल रेजिस्टेंस दोनों के ऐड हो जाएंगे, ये आपका फाइनली इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऑफ टू सेल्स. इक्विवेलेंट इज इक्वल टू आर वन इंटू आर टू डिवाइडेड बाय आर वन प्लस आर टू, ओके. नाउ मिक्स्ड ग्रुपिंग, ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन को दोनों को ऐड करते हैं तो मिक्स ग्रुपिंग होगा, ठीक है. तो इफ कंसिस्ट ऑफ एम रोज इन पैरेलल कॉम्बिनेशन सच दैट ईच रोज कंटेन एन सेल्स, ओके, मींस आपकी एम रोज है, एम रोज है इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन में कितनी रोज है, एम रोज है, और सेल्स तो एन है ही, ठीक है, सेल्स तो एन है ही. तो वहां पर मिक्स ग्रुपिंग में करंट होगा आई इज इक्वल्स टू एम एन ई बाई एम आर प्लस एन आर, ओके. ये फॉर्मूला आपको लर्न करना है, ठीक है, सभी फॉर्मूले आपको लर्न करना है. एंड आर रेजिस्टेंस इज इक्वल टू एन आर डिवाइडेड बाई एम, सो आई मैक्सिमम की वैल्यू आपको यहाँ से एम एन ई डिवाइडेड बाई टू एन आर फाइंड हो जाएगी, ओके. सो आई मैक्सिमम इज इक्वल टू यहाँ एन से एन कैंसिल आउट होगा, सो एम ई डिवाइडेड बाई टू आर, ओके. ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक किरचॉफ्स लॉ. किरचॉफ्स लॉ फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ होते हैं और दोनों इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, दोनों पर काफ़ी ज़्यादा न्यूमेरिकल्स बनते हैं और इसमें केस स्टडी बेस्ड में भी आपको जैसे पैराग्राफ गिवन है और पैराग्राफ पर बेस्ड क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, ठीक है. सो ध्यान से पढ़िएगा, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, फर्स्ट लॉ का हम जंक्शन लॉ भी कहते हैं, और फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग द अलजेब्रिक सम ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एट एनी जंक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट इज इक्वल टू द जीरो, ठीक है. मीन्स किसी भी जंक्शन पर, जैसे हम एक पर्टिकुलर जंक्शन ओ कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है, इस पर करंट आई वन यहाँ पर इंटर हो रहा है, यहाँ आई टू इंटर हो रहा है और यहाँ से आई थ्री आउट हो रहा है, ठीक है. तो टोटल जो इंटर हुए हैं रेजिस्टेंस मीन्स आई वन प्लस आई टू, इन दोनों को आपको ऐड करना है, ठीक है, जो इंटर हुए हैं वो और जो आउट हुए हैं उन सभी को ऐड करना है, और दोनों जो इनकमिंग और आउटकमिंग दोनों इक्वेट कर देना है, ठीक है. सो समेशन ऑफ टोटल करंट इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, क्यों, क्योंकि ये आई थ्री जो है वो इस साइड हो जाएगा, एल एच एस में हो जाएगा, सो जीरो हो जाएगा, ओके. समेशन क्यों दिया हुआ है यहाँ पे, क्योंकि हम आई थ्री को अगर यहाँ पर लें तो आप कर तो रहे हैं एडी, बट डायरेक्शन क्या हो जाएगा, चेंज, आई थ्री जो है वो नेगेटिव कंसिडर हो जाएगा, करना एडी है लेकिन आई थ्री नेगेटिव कंसिडर हो जाएगा क्योंकि आउट गोइंग है, ठीक है, तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगी. अब यहाँ पर देखो, द सम ऑफ करंट इंटरिंग इन टू अ जंक्शन ओ इज इक्वल टू द सम ऑफ करंट लीविंग द जंक्शन. जो करंट इंटर हो रहे हैं जंक्शन पे और जो करंट लीविंग हो रहे हैं दोनों इक्वल होंगे, ठीक है. एक सिंपल लैंग्वेज में बोले इनकमिंग करंट इज इक्वल टू द आउटगोइंग करंट, ओके. सो सिग्मा आई इज इक्वल टू जीरो, हियर आई वन
प्लस आई टू प्लस आई थ्री प्लस आई फोर, ठीक है। यहाँ पर भी जैसे यहाँ दिया हुआ है इंटर कौन से करंट हो रहा है, आई वन एंड आई टू, और आई थ्री एंड आई फोर ये आउट गोइंग करंट हो रहा है, तो इनके लिए डायरेक्शन भी चेंज होगा, ठीक है। हम माइनस कंसिडर कर लेते हैं, तो कर रहे हैं डायरेक्टली ए डी, ठीक है। सो दिस इज फॉर्मूला, एंड ये जो जंक्शन लॉ है ये फॉलो करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन को, ठीक है। मीन्स यहाँ पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन अप्लाई होगा। कंजर्वेशन के अकॉर्डिंग क्या होगा कि आप चार्जेस को या करंट को ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ओके। नाउ किरचॉफ सेकंड रूल और वी कैन से लूप रूल, ओके। एट एनी क्लोज्ड पाथ या क्लोज्ड मैश ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट द अलजेब्रिक सम ऑफ ईएमएफ ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस इज ऑलवेज इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। मीन्स क्लोज पाथ के लिए उस सर्किट का ईएमएफ टोटल ईएमएफ, ठीक है, समेशन ऑफ ई एंड करंट एंड रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट, ठीक है, उन दोनों का सम इक्वल्स टू होता है जीरो, ओके। ये कंडीशन है सेकेंड लॉ की। नाउ सेकेंड लॉ सपोर्ट्स लॉ ऑफ कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन को सपोर्ट करता है। नाउ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज डिफाइंड एज अ टोटल वर्क डन बाय द सोर्स ऑफ ईएमएफ इन मेंटेनिंग द करंट इन गिवन सर्किट, ठीक है। किसी भी सर्किट में करंट को मेंटेन करने के लिए जो ईएमएफ है, ठीक है, टोटल वर्क डन है बाय द सोर्स ऑफ ईएमएफ, वही आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहलाता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ई से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये है, इस तरह से अगर आप ई बनाएंगे तो ईएमएफ, बट यहाँ इलेक्ट्रिकल एनर्जी के लिए भी हम ई यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। ई इज इक्वल टू होता है वी आई टी, ओके। ये फॉर्मूला आपको लर्न करना होगा, वी आई टी, और इसे हम ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग रिप्लेस कर सकते हैं रेजिस्टेंस के थ्रू, ठीक है। आई स्क्वेयर आर टी भी होता है, एंड वी स्क्वेयर इंटू टी डिवाइडेड बाई आर, ठीक है। मीन्स किसी भी सर्किट के थ्रू टोटल वर्क डन इन अ स्पेसिफिक टाइम, दैट इज द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और यूनिट होता है जूल, ठीक है, जैसे रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे। नाउ इलेक्ट्रिकल पावर, सो इलेक्ट्रिकल पावर इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ एनर्जी, ठीक है, एनर्जी का विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। एनर्जी रेट ऑफ एनर्जी सप्लाइड पर यूनिट टाइम और टू मेंटेन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को मेंटेन करने के लिए रेट ऑफ एनर्जी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी या इलेक्ट्रिकल पावर, ठीक है। इलेक्ट्रिकल पावर कैसे मिलेगा आपको, सो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को डी से डिवाइड कर दीजिए, रेट मीन्स डिवाइडेड बाई टी, ठीक है। डिवाइड अप टी करेंगे, सो पी इज इक्वल टू वी आई, हियर पी इज रिप्रेजेंट फॉर द इलेक्ट्रिकल पावर, ओके। पी इज इक्वल टू वी आई एंड पी इज इक्वल टू आल्सो आई स्क्वायर आर एंड वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर, ऐसा यूनिट ऑफ पावर इज वॉट, ठीक है, डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करता है, कैपिटल डब्ल्यू से। नाउ नेक्स्ट पॉइंट व्हीटस्टन ब्रिज, ठीक है। व्हीटस्टन ब्रिज भी इंपॉर्टेंट है, इस पर न्यूमेरिकल्स बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है। देखिए, व्हीटस्टन ब्रिज इज एन अरेंजमेंट ऑफ फोर रेजिस्टेंस कनेक्टेड टू अ फॉर्म ऑफ आर्म्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, इस तरह से एक अरेंजमेंट होता है व्हीटस्टन ब्रिज, एंड अ बैटरी विद अ की एंड गैल्वेनोमीटर आर कनेक्टेड अलोंग इट्स टू डायगोनल, ठीक है। फर्स्ट डायगोनल में बैटरी कनेक्ट होती है और सेकंड डायगोनल के बीच में गैल्वेनोमीटर कनेक्ट होता है, और इस तरह का रिप्रेजेंटेशन होता है व्हीटस्टन ब्रिज का, ठीक है। व्हीटस्टन ब्रिज की कंडीशन ये है कि अगर यहाँ पर पोटेंशियल जीरो है, ठीक है, इन एजेस पर वी बी एंड वी डी, पोटेंशियल जीरो है, सो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, पोटेंशियल सॉरी इक्वल है, सो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है तो इस एरिया में या इस पाथ में कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा, करंट फ्लो नहीं होगा तो गैल्वेनोमीटर जो रिफ्लेक्शन दिखाएगा वो जीरो होगा, ठीक है। तो एक बैलेंस्ड कंडीशन में, बैलेंस की कंडीशन किसे बोलते हैं, जब हम वोल्टेज को, ठीक है, जब हम वोल्टेज को एट पॉइंट बी एंड एट पॉइंट डी इक्वेट करें, ठीक है, इक्वल रखें, सो ये जो कंडीशन है दैट इज कॉल्ड बैलेंस कंडीशन। एंड बैलेंस कंडीशन में रेजिस्टेंस के रेशियो क्या होते हैं, देखो P का जो रेजिस्टेंस है, डायरेक्ट मैं P बोल देती हूँ, ठीक है, रेजिस्टेंस ऑफ P डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस ऑफ Q एंड D, रेजिस्टेंस ऑफ R डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस ऑफ S, ठीक है। इस तरह से आपको अगर आप को यहाँ पर एक रेजिस्टेंस नहीं गिवन है तो थ्री गिवन है, सो आप फोर्थ रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो व्हीटस्टन ब्रिज इस तरह से वर्क करता है। नाउ मीटर ब्रिज, व्हीटस्टन ब्रिज की ही तरह मीटर ब्रिज भी है, ठीक है। यहाँ पर हम एक स्ट्रिंग लेते हैं जो कि 1 मीटर की होती है, ठीक है, जो कि 1 मीटर की होती है, इसीलिए हम इसे मीटर ब्रिज कहते हैं, ओके। नाउ देखिए, इट इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस यूज टू डिटरमाइन द रेजिस्टेंस एंड हैंस स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ठीक है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को फाइंड करने के लिए मटेरियल के ऑफ गिवन वायर कंडक्टर, ठीक है, कंडक्टर के या वायर के स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को फाइंड करने के लिए मीटर ब्रिज का यूज किया जाता है। इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ बैलेंस व्हीटस्टन ब्रिज, बैलेंस व्हीटस्टन ब्रिज पर बेस्ड होता है इसका प्रिंसिपल, ओके। फॉर यूनिफॉर्म वायर, रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ कंडक्टर, ठीक है, रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ कंडक्टर, लेंथ कंडक्टर की अगर इंक्रीज होगी, ज्यादा होगी तो रेजिस्टेंस भी आपको हाई मिलेगा, ठीक है, और लेंथ कम होगी तो रेजिस्टेंस भी आपको लो मिलेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ये मीनिंग है, ओके। अब देखो इस अरेंजमेंट में आपको दिख रहा है यहाँ पे टू टर्मिनल्स है आर एंड एस, ठीक है, ये दोनों रेजिस्टेंस लगे हुए हैं ए बी, ठीक है। अब ए बी जो है वो डिवाइड कर रहा है
ये वाला जो पॉइंट आप देख रहे हैं इसे हम ओ कंसिडर कर लेते हैं। तो ओ ए देखो ये वाला जैसा पोर्शन बन गया, ठीक है, आर रेजिस्टेंस हो गया, ये ओ बी के बीच में एस रेजिस्टेंस हो गया। तो यहाँ पर क्या वायर लगा होता है, ठीक है, बैटरी से कनेक्टेड होता है और गैल्वेनोमीटर होता है। गैल्वेनोमीटर को इस वायर से टच करवाते हैं और जिस पॉइंट पर वायर के जिस पॉइंट पर गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन शो करता है उस पॉइंट को आप कंसिडर करते हैं, ठीक है। उस पॉइंट से ए की डिस्टेंस आपने एल कंसिडर की, टोटल लेंथ 100 सेंटीमीटर है, ठीक है, मीन्स 1 मीटर है। ओके, सो यहाँ पर जो लेंथ होगी, बची हुई लेंथ होगी वो 100 माइनस एल हो जाएगी, ठीक है। तो ये वाला एक पोर्शन ये वाला। अब यहाँ पर लेंथ है, ठीक है, तो हमने बोला कि लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस के प्लेस पे हम लेंथ कंसिडर कर लेंगे। ओके, देखिए रेजिस्टेंस आर डिवाइडेड बाई एस, ये तो हमने डिस्टेंस बीच में पढ़ा है, और रेजिस्टेंस जो है वो डिपेंड करता है लेंथ पर, तो लेंथ डिवाइडेड बाय लेंथ ये भी हो सकता है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला जो है वो बैलेंस्ड वेस्टर्न ब्रिज का यहाँ पर यूज हुआ, ठीक है। अब इससे आप लेंथ को मेजर कर सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इज पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ओके, पोटेंशियोमीटर इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस विच कैन, ठीक है, पोटेंशियोमीटर के बहुत सारे पर्पस होते हैं, ठीक है। पोटेंशियोमीटर जैसे मेजर करता है पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, विथ ग्रेटर एक्यूरेसी, इसमें एक्यूरेसी ज़्यादा होती है, और दो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के काम आता है, ठीक है, कंपेयर करने के काम आता है। कंपेयर ऑफ ईएमएफ ऑफ टू सेल्स का ईएमएफ कंपेयर करता है, ठीक है, सेल्स का मेजर करता है ईएमएफ, ठीक है, एंड डिटरमाइन द इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर की वैल्यू को भी फाइंड कर सकते हैं। तो इतने सारे पर्पस है पोटेंशियोमीटर के, ठीक है। क्या 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 करता है, सबसे पहले तो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है, ठीक है, फिर टू सेल्स के ईएमएफ को कंपेयर कर सकता है, ठीक है, किसी भी सेल का ईएमएफ भी फाइंड कर सकता है, रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करने के काम आता है पोटेंशियोमीटर। ओके, इस तरह से इसका वर्किंग होता है, इसमें भी वायर्स होते हैं एक दूसरे से कनेक्टेड, ठीक है। अब पोटेंशियोमीटर किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है, और इसमें जो जो आप पॉइंट्स यूज करते हैं, जो जो चीजें फाइंड करते हैं, वो किस तरह से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो देखते हैं। द पोटेंशियोमीटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल दैट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एट एनी टू पॉइंट्स ऑफ यूनिफॉर्म करंट कैरिंग कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ, ठीक है। मींस पोटेंशियोमीटर का जो प्रिंसिपल ये है कि पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ बिटवीन द टू कंडक्टर्स, ठीक है। मींस वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, पोटेंशियल डिफरेंस वी इज फॉर पोटेंशियल डिफरेंस एंड एल इज फॉर लेंथ, जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ओके, सेकंड पॉइंट, द ईएमएफ्स ऑफ टू प्राइमरी सेल्स कैन बी कंपेयर्ड यूजिंग पोटेंशियोमीटर। टू सेल्स के ईएमएफ को कंपेयर कर सकते हैं लेंथ के रिस्पेक्ट में, इवन बाई ईएमएफ वन बाई इवन बाई ई टू इज इक्वल्स टू एल वन बाई एल टू। ओके, वेयर एल वन एल टू आर द बैलेंसिंग लेंथ करस्पॉन्डिंग टू सेल ईएमएफ इवन एंड ई टू, ठीक है, रेस्पेक्टिवली। इवन के लिए लेंथ ई एल वन है एंड ई टू के लिए लेंथ एल टू है। ओके, नाउ इंटरनल रेजिस्टेंस, नाउ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द प्राइमरी सेल ऑफ ईएमएफ इज गिवन बाई, इंटरनल रेजिस्टेंस को इस फॉर्मूले के थ्रू विद रिस्पेक्ट टू लेंथ, ठीक है, इस फॉर्मूले के थ्रू आप गिवन कर सकते हैं। आर इज इक्वल्स टू कैपिटल आर एल वन बाई एल टू माइनस वन। ओके, आर इज द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, कैपिटल आर इज द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। नाउ पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है, तो पोटेंशियल का विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, ठीक है। सो पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ ऑफ वायर ऑफ पोटेंशियोमीटर, पोटेंशियोमीटर में पोटेंशियल ड्रॉप होता है पर यूनिट लेंथ में, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट। के डिनोट करते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट को, के इज इक्वल्स टू होता है वी बाई एल। ओके, वी इज द पोटेंशियल डिफरेंस एंड एल इज द लेंथ। ओके, दैट्स इट फॉर चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब हम नेक्स्ट इसी पर भी बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देखेंगे एंड आगे हम चैप्टर 4 स्टार्ट करेंगे क्विक रिवीजन। ओके, सो टिल देन कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच।